अर्जुन कैसे अपनी स्थिति का विवरण दे रहा है, जो निरंतर ऐसी स्थिति में जी रहे हो, अब वो सुनेंगे कृष्ण की। बस कोई कोई होता है जिसमें ये ईमानदारी होती है कि माने कि उसकी जिंदगी बड़े संकट में है। कृष्ण तुम्हारे प्राण तभी बनेंगे जब तुम अपने आप को पाओगे घोर विपदा में, और घोर विपदा में हम सभी हैं। कोई अच्छे समय पे बुरे काम नहीं करता, कोई बुरे समय पे अच्छे काम नहीं करता। हम वही करते हैं जो हम हैं। आपके पास कोई विकल्प इत्यादि है नहीं। आप हमेशा बस वही करते हो जो आपको करना ही था। आप कुछ और कर ही नहीं सकते थे। कोई अच्छा समय नहीं आ जाता, समय वैसा ही है जैसा होना है। हाँ, आपकी अपेक्षाओं के ज़रा अनुरूप है तो आप कह देते हो अच्छा है अच्छा है। आधा घंटा आप देर से पहुंचे ट्रेन पकड़ने के लिए और ट्रेन एक घंटा लेट थी, अच्छा है अच्छा है। और आपको अपनी मंजिल पर सही जगह पहुंचना था और ट्रेन एक घंटा लेट थी, बुरा है बुरा है। दोनों ही स्थितियों में हो तो वही रहा है बाहर जो हो रहा है, एक ही घटना, ट्रेन एक घंटा लेट है, पर आपके लिए कभी अच्छा है कभी बुरा है। आप जैसे हो, आप हमेशा अपने आप को केंद्र में रखते हो, और जब तक आप अपने आप को केंद्र में रख रहे हो, आप वो करे ही जाओगे जो आप कर रहे हो। बाद में प्रायश्चित होता है, बुरा भी लगता है ना, वो प्रायश्चित हो थोड़ी पाता है, वो तो अपने आप को दुख देने की बात है। सबसे पहले कृपा करके सब ये देखें कि जिसकी भी जिंदगी में जो हुआ है वो अकस्मात नहीं हुआ है। हम जैसे हैं, हमारे साथ वो सब कुछ होना ही होना था। आज भी जो है वो अनायास नहीं है। आप यहां आए हो तो यूं ही नहीं आ गए हो, ना आने के आपके पास सैकड़ों बहाने थे, और नियमित और निरंतर आने के भी आपके पास बड़े कारण हो सकते हैं। कारण तो बने रहते हैं, होता वो है जैसे आप हो, पर अहंकार ये कहता है कि नहीं, हम तो बड़े धवल और उज्जवल हैं, बस स्थितियां जरा गड़बड़ थी इसलिए भूल हो गई, समय बुरा चल रहा था इसलिए फिसल गए। कुछ अगर आपके साथ ऐसा हुआ जो आपको अखरता है तो जान लीजिए कि आपने उसे आमंत्रित किया, और जब तक आप उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे, आप वही वही घटनाएं दोहराते रहेंगे, पुनः पुनः आमंत्रित करते रहेंगे। कोई शराबी हो जैसे लड़खड़ाता चला जा रहा हो, गिरे एक बार और फिर खड़ा हो झूमता झामता, नहीं नहीं मैंने पी थोड़ी रखी है, अजी दो चार बोतल तो हम ऐसे ही पचा जाते हैं, ये कोई पी है, हमें नशा है। अब पांच जने आ भी रहे हैं सहारा देने तो साहब इनकार कर रहे हैं, अजी हमें नशा है, दूर हटो। वो तो जरा भूकंप आ गया था, नहीं तो हम गिरने वालों में से हैं। सहारा लेने को तैयार नहीं है क्योंकि अहंकार मानने को नहीं तैयार है कि नशे में हो। नतीजा क्या होगा? पुनः गिरेंगे, और जितनी बार गिरते जाओगे, जानते हो अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे लिए मानना उतना मुश्किल होता जाएगा कि तुम नशे में हो, क्योंकि अब गलतियों का भंडार बढ़ता जा रहा है।
अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने एक भूल नहीं करी है, हजारों भूलें करी हैं। बड़ी शर्म आएगी। कोई ये मान ले कि हाँ अभी अभी गलती हो गई, ठीक है छोटी बात है, पर यह मानना कि पिछले 5 साल 10 साल निरंतर मैं गलत ही था, अहंकार को चोट लगती है, लज्जा सी आती है। पर हकीकत यही है, अरे 5 साल 10 साल की क्या बात है, लोग 25 जन्म गलत 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 गुजार देते हैं, तो तुमने कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अरे 20 ही साल तो खराब करें, 20 साल कोई बड़ी बात है, कुंभकर्ण सोता था 20 साल, तुमने खराब कर दिए, क्या हो गया। इसी से मिला जुला फिर जो हमारा तर्क निकलता है वो निकलता है कि अब अगर हमने 40 साल खराब ही कर दिए तो अब क्या मौत की घड़ी में सुधरेंगे। हाँ, मौत की घड़ी आ नहीं रही है, ये जो 40 साल तुमने खराब किए इसमें प्रतिपल मौत थी, अब जग जाओ, अब उठ जाओ, जीवन पालोगे।